अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम प्लानिंग कमीशन का फॉर्म 4 यानी PC4 देखेंगे, विच इज़ बेसिकली प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। ये PC4 फॉर्म का फर्स्ट पेज है। ये यहाँ पे लिखा है टू बी फर्निश इमीजिएटली आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिगार्डलेस द प्रोजेक्ट अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड आर नॉट। यानी जैसे ही प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है आपने फौरन इसको सबमिट करना होता है, चाहे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है बैंक में वो आपने क्लोज किए हो या ना किए हो। ठीक है, इसका सीरियल नंबर 1 पर दे के नेम ऑफ द प्रोजेक्ट / प्रोग्राम / स्टडी, तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना होता है। इन आवर केस वी हैव अज्यूम कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस इन खैबर पख्तूनख्वा पेशावर। फिर आपका प्रोजेक्ट कहाँ लोकेट करता है, तो यहाँ पे आपने वो लिखना होता है। हमारा ये प्रोजेक्ट लोकेट कर रहा है इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड ननकपुरा पेशावर, तो मैं यहाँ पे वो इंसर्ट करूंगा। अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन की लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे वो इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं है अवेलेबल तो नो प्रॉब्लम। फिर आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये कौन से सेक्टर के साथ रिलेट करता है, आपका प्रोजेक्ट रिलेट कर सकता है टू एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर और सोशल सेक्टर, तो जिस सेक्टर के साथ रिलेट करता है आप यहाँ पे वो लेके। हमारा प्रोजेक्ट जो है रिलेट करता है टू सोशल वेलफेयर सेक्टर, तो मैं यहाँ पे सोशल वेलफेयर लिखूंगा। फिर हर सेक्टर के कुछ सब सेक्टर्स होते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जिस सेक्टर के सब सेक्टर के साथ रिलेट करता है तो आपने यहाँ पे वो लिखना है इस जगह पे। हमारा ये प्रोजेक्ट रिलेट करता है सब सेक्टर स्पेशल एजुकेशन के साथ, तो मैं यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन लिखूंगा। फिर इस प्रोजेक्ट को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो नॉर्मली जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं वही स्पॉन्सर करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, तो हमारा ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहा है सोशल वेलफेयर स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो यहाँ पे मैं वो लिखूंगा। फिर कौन सी एजेंसी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, तो नॉर्मली जो डायरेक्टरेट होते हैं या डायरेक्टरेट जनरल ये एग्जीक्यूटिंग बॉडीज होते हैं ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो आपने फिर यहाँ पे डायरेक्टरेट का नाम लिखना है, या अगर कोई और एजेंसी आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है तो आप उस एजेंसी का नाम लेके। हमारे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे वो लिखूंगा। फिर कौन सी एजेंसी इसको ऑपरेट करेगी और मेंटेन रखेगी इस प्रोजेक्ट को, तो नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है वही प्रोजेक्ट को ऑपरेट भी करती है और मेंटेन भी रखती है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरेट ही फिर इसको ऑपरेट या और मेंटेन रखेंगी। सीरियल नंबर 6 पे देखिए डेट ऑफ अप्रूवल एंड अप्रूविंग फोरम, यानी किस फोरम से आपका ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, DDWP से, CDWP से, ICNIC से या PDWP से, तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई करेंगे। फिर ओरिजिनली आपका PC1 कब अप्रूव हुआ था, तो आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है। तो और फिर अक्सर इस तरह भी होता है कि कुछ PC1 को हम रिवाइज करते हैं फॉर वन रीजन आर द अदर, मसलन या तो हम प्रोजेक्ट को टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर हम रिविजन करते हैं उस प्रोजेक्ट का, और उसको ऑन उसी कॉस्ट में यानी ऑन कॉस्ट में फिर उसको हम रिवाइज करते हैं, उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करते हैं या उसका जो स्कोप है उसमें चेंजेस करते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट रिवाइज हुआ है तो यहाँ पे वो रिवीजन डेट लेके, हमारा ये प्रोजेक्ट रिवाइज नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NA यानी नॉट एप्लीकेबल। सीरियल नंबर 7 पेपर दे के इसके दो कंपोनेंट है, यानी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, फिर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड के अपने दो कंपोनेंट है, यानी इस पर PC1 आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट कौन सा था, कौन सी डेट को आपने ये कमेंस करना था। तो नॉर्मली हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं ये 1 जुलाई से कमेंस होते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, और फिर कब कंप्लीट होना है, फिर हमारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है ये 3 साल के होते हैं, तो हम PC1 में नॉर्मली 3 साल का टाइम देते कि 3 साल के बाद 30 जून को ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा, तो यहाँ पर PC1 के मुताबिक डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ कम्प्लीशन हमने देनी होती है। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट टाइमली न कमेंस होता है ना कंप्लीट होता है, ठीक है, तो फिर हम एक्चुअल लिखेंगे, यानी नॉर्मली जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है ये पर इस पर PC1 और एक्चुअल ये तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन अगर हम PC1 को रिवाइज करते और उसमें उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करते तो फिर डेट ऑफ कम्प्लीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो हमने फिर अगर रिवाइज में हम कोई और डेट देते हैं तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है एक्सटेंशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इफ एनी, यानी क्या इस प्रोजेक्ट की जो टाइम पीरियड है इसमें एक्सटेंशन दी गई थी
आपने पीसी वन को रिवाइज किया था, अगर दी है तो आप उस रिवीजन की डेट दे दें और कितने कितने महीनों के लिए आपने इसको एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो लिखना है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि मंथ और डेज लिखना है, ईयर नहीं लिखना है। तो अगर वन ईयर है तो आप यहाँ पे 12 मंथ्स लिखे, ठीक है। अब सीरियल नंबर 8 पे देखिए कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट के फिर ये दो कॉलम है, यानी हर चीज़ के लिए आपने जो कॉस्ट वर्कआउट की थी पीसी वन में आपने वो इस कॉलम में लिखना है, और फिर एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हुए तो आपने वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ओरिजिनल हम रिवाइज को भी नहीं देखते, अगर आपने पीसी वन को रिवाइज नहीं किया है या रिवाइज भी किया है लेकिन ओरिजिनल इसके लिए लोकल करेंसी में कितना कॉस्ट अप्रूव हुआ था और फॉरेन एक्सचेंज में कितना अप्रूव हुआ, अगर फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट तो आप उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लेके फिर लोकल और फॉरेन एक्सचेंज का ये दोनों अमाउंट आप जमा करें और यहाँ पे टोटल पे लेके, ठीक है। लेकिन ये तो एलोकेटेड अमाउंट था, इस एलोकेटेड अमाउंट के अगेंस्ट आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने किए, तो ये कम भी हो सकते और ज़्यादा भी हो सकते, ठीक है। तो इस कॉलम को देने का बुनियादी मकसद ये है, ये इस कंपैरिजन करने का कि ये पता चले कि क्या पीसी वन की कॉस्टिंग जो हुई थी वो रियलिस्टिकली हुई थी या बस वैसे ही मतलब उन्होंने सिर्फ खानापूरी के लिए कीमतें डाली थी और फिर जब एक्चुअली उन्होंने एक्सपेंडिचर किए तो या उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए या बहुत ज़्यादा कम हो गए। अच्छा, अगर आपने फिर पीसी वन को रिवाइज किया है तो फिर आपने यहाँ पे वो रिवाइज वाले स्टेटिस्टिक इंसर्ट करने थे, यानी रिवाइज पीसी वन में लोकल करेंसी में कितना कॉस्ट अप्रूव हुआ था और फॉरेन एक्सचेंज में कितना अप्रूव हुआ था और उसका टोटल क्या बन रहा था, और फिर इस रिवाइज पीसी वन के मुताबिक आपके इस एलोकेटेड अमाउंट के अगेंस्ट एक्चुअल एक्सपेंडिचर लोकल करेंसी में कितने हुए और फॉरेन एक्सचेंज में कितने हुए और ये टोटल कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने इंसर्ट करना होता है। फिर सीरियल नंबर 9 पे देखे फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को कहाँ से फाइनेंस किया जा रहा है, क्या ये फेडरल PPSDP से फाइनेंस हो रहा है या प्रोविंशियल EDP से फाइनेंस हो रहा है या डोनर कर रहा है या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में मिलकर कर रहे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डोनर आपस में मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने वो स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहा है प्रोविंशियल EDP से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसके लिए लोकल अमाउंट कितना एलोकेट हुआ है, तो वो 43 मिलियन है, मैं यहाँ पे 43 लिखूंगा। फॉरन एक्सचेंज कंपोनेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे NA लिखूंगा, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे फिर लोकल और फॉरेन एक्सचेंज को आपने टोटल करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मेंशन रूपी एक्सचेंज रेट, यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज का कंपोनेंट है तो आप इसको रूपी में कन्वर्ट करें, या अगर रूपी में कन्वर्ट ना करें तो फॉरेन एक्सचेंज का कंपोनेंट का एक्चुअल फिगर लिखे लेकिन फिर एक्सचेंज रेट भी दे, ठीक है। अगर डॉलर में है तो $1 कितने पाकिस्तानी रुपये का बनता है, ठीक है। अब सीरियल नंबर 10 पे देखिए प्रोजेक्ट अकाउंट्स, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन कौन से अकाउंट्स ओपन किए थे, क्या आपने कोई PLA अकाउंट ओपन किया था या असाइनमेंट अकाउंट या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या अदर जो भी अकाउंट्स आपने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ओपन किए थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है और फिर कौन कौन सी डेट को ओपन किए थे यहाँ पे आपने वो मेंशन किए थे और उसमें जो अमाउंट पढ़ाई किया वो लेप्सेबल है या नॉन लेप्सेबल है। तो नॉर्मली बैंक में जो अकाउंट्स हम ट्रांसफ़र करते हैं EG ऑफिस से तो वो नॉन लेप्सेबल होता है, उनके पास ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी हर साल ऑथोराइजेशन आपने फिर लेनी होती है, लेकिन वो नॉन लेप्सेबल होता है। इन अकाउंट का स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या क्लोज हुए, अगर क्लोज हुए तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करें, अगर क्लोज़ नहीं हुए तो उसका रीज़न बताएं कि अभी तक क्यों क्लोज नहीं किए और कब तक आप क्लोज करेंगे, तो वो टेंटेटिव डेट भी यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे। सीरियल नंबर 11 पे देखे फाइनेंशियल पेजिंग इस पर पीसी वन एंड एक्सपेंडिचर, यानी इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए आपने पीसी वन में किया क्या फाइनेंशियल फेजिंग की थी, यानी पहले साल आप कितना खर्चा करेंगे, दूसरे साल कितना खर्चा करेंगे, तीसरे साल खर्चा कितना करेंगे, और फिर इस प्लानिंग के अगेंस्ट आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने किए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना होता है और रिलीज भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईयर में 1, 2, 3 यानी 3 रोज दिए गए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट 3 ईयर्स के होते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट 4 ईयर या 5 ईयर का हो तो यहाँ पे एक आप मज़ीद रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज हम पहले साल का लिखते हैं तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो पहले साल के लिए कितनी एलोकेशन
या PC1 के मुताबिक हमने कितनी एलोकेशन की थी या फेजिंग की थी तो वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसमें फिर फॉरन एक्सचेंज का कंपोनेंट कितना था तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका PSDP से फंड हो रहा है ये प्रोजेक्ट, तो फिर यहाँ पे आप PSDP की एलोकेशन लेके कि PSDP के तहत कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहले साल कितनी एलोकेशन थी, इसमें फॉरेन एक्सचेंज का कंपोनेंट कितना था, अच्छा इस एलोकेटेड अमाउंट के अगेंस्ट, चाहे वो प्रोविंशियली DP से हुआ या PSDP से हुआ, तो कितना अमाउंट रिलीज हुआ टोटल, और इसमें फिर फॉरेन एक्सचेंज का कंपोनेंट कितना था, और इस रिलीज फंड के अगेंस्ट फिर कितने एक्सपेंडिचर टोटल हुए, और इस टोटल एक्सपेंडिचर में फिर फॉरेन एक्सचेंज का कंपोनेंट कितना था। इसी तरह सेकंड ईयर के लिए लिखना है और इसी तरह थर्ड ईयर के लिए लिखना है, ठीक है। अब अगर हम सीरियल नंबर 12 पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है फिजिकल टारगेट्स एंड अचीवमेंट, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए आपके फिजिकल टारगेट्स क्या थे, आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रोक्योर करने थे, कौन कौन सा स्टाफ लेना था, कौन कौन सी सिविल वर्क करना था, और इस इन टारगेट्स के अगेंस्ट आपकी अचीवमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे हर आइटम का, हर एक्टिविटी का, हर टारगेट का, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप वो टारगेट्स मेंशन करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कंप्यूटर खरीदने थे तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे इस पर PC1, और फिर कंप्यूटर के कितने यूनिट्स मैंने लेने थे, 10 यूनिट्स सपोज मैंने लेने थे तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, अच्छा 10 तो मैंने लेने थे, ये तो PC1 में मैंने फेजिंग की थी, टारगेट रखे थे, इन टारगेट्स के अगेन मेरी एक्चुअल अचीवमेंट क्या है, यानी मैंने कितने कंप्यूटर खरीदे, क्या मैंने 10 के 10 खरीदे या इससे कम खरीदे या ज़्यादा, तो आप वो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये फिजिकल जो टारगेट्स है हमारे, जो मुख्तलिफ आइटम्स है जो हमने प्रोक्योर करने होते हैं या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हमने करनी होती है इस पर PC1, तो उसकी एक लंबी लिस्ट होती है, तो यहाँ पे ये देना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसको एनेक्सचर में दें, और ये देखिए ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई कि अटैच एनेक्स डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर ईच आइटम सेपरेटली। अच्छा, सीरियल नंबर 13 पे फिर देखें आइटम वाइज प्लांट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी हर आइटम के लिए आपने PC1 में किस तरह के एक्सपेंडिचर प्लान किए थे, और फिर उस प्लानिंग के अगेंस्ट आपने एक्चुअली कितने एक्सपेंडिचर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हम वो तमाम आइटम लिखेंगे, वो तमाम एक्टिविटीज़ लिखेंगे जो हमने इस PC1 के तहत या प्रोक्योर करने थे या हमने करनी थी, ठीक है। फिर PC1 का एस्टिमेट क्या था, यानी हर आइटम के लिए या हर एक्टिविटी के लिए मैंने कितना अमाउंट रखा था, ठीक है, उसमें लोकल कंपोनेंट कितनी थी और फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट कितना था, ठीक है। तो लोकल और फॉरेन एक्सचेंज को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास टोटल फिगर आता है, लेकिन ये तो एस्टिमेट्स थे, इन एस्टिमेट्स के अगेंस्ट हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हुए, लोकल करेंसी में कितने हुए और फॉरेन एक्सचेंज में कितने हुए, फिर इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह हर आइटम के लिए हम यहाँ पे वो लिखेंगे और आखिर में फिर इसका टोटल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सीरियल नंबर 14 देखते हैं, विच रिलेट्स टू द रिकरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या फ्यूचर में हम इसको ऑपरेट करने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ रिकरिंग कॉस्ट दरकार होगी या नहीं हर साल, तो यहाँ पे वो हम मेंशन करेंगे। सीरियल नंबर में हम 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे और कंपोनेंट में वो कंपोनेंट मेंशन करेंगे जिन कंपोनेंट के तहत हमें रिकरिंग कॉस्ट दरकार है। लाइक इन आवर केस वी हैव अज्यूम्ड कि हमें हर साल कुछ पेपर खरीदना होगा, ब्रेल पेपर, ताकि उस पर हम बुक्स वगैरह प्रिंट कर सके। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होगी तो वो सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी कीमत में हमें पैसे चाहिए होंगे, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, और दीगर चीज़ें। तो जिन जिन चीज़ों में आपको पैसे दरकार होंगे तो आप यहाँ पे वो कंपोनेंट मेंशन करेंगे। और फिर PC1 में आपने ये पहले से वर्कआउट किया होता है, तो PC1 में आपने हर कंपोनेंट की जो रिकरिंग कॉस्ट वर्कआउट की है, फॉरेन एक्सचेंज में जो की थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो लोकल करेंसी में की थी वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और फिर फॉरेन एक्सचेंज और लोकल को जमा करके वो यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे। ये तो PC1 के एस्टीमेट थे। इन PC1 के एस्टीमेट के मुताबिक अब पिक्चर क्या आ रही है सामने, यानी हमें एक्चुअली कितने दरकार होंगे। PC1 में तो हमने जिक्र किया कि हमने ये कॉस्टिंग की थी, रिकरिंग कॉस्टिंग, लेकिन एक्चुअल फिर हमें मुझे कितना दरकार होगा, फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट में कितना दरकार होगा यहाँ पे लिखूंगा, लोकल करेंसी में कितना दरकार होगा वो यहाँ पे लिखूंगा, और फिर फॉरेन एक्सचेंज और लोकल दोनों को जमा करके यहाँ पे टोटल लिखूंगा। लेकिन ये चूंकि एक लंबी लिस्ट होती है, इसलिए बेहतर है कि ये भी आप नेक्स्टर में दें। अब सीरियल नंबर 15 पे देखें अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी यहाँ पे आप सीरियल नंबर लेके 1, 2, 3, 4, 5, फिर आपने PC1 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे लेके, फॉर एग्जांपल इन अवर केस हमने ये ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि हम ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश करेंगे, और फिर इस के तहत इस प्रोजेक्ट की पीरियड के दौरान हम 9th, 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की
बुक्स प्रिंट करेंगे ब्रेल में, ठीक है। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, और फिर इन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट मेरी एक्चुअल अचीवमेंट क्या है, यानी किया मैंने ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की है या नहीं, किया मैंने इसके लिए रिक्रूटमेंट की है, स्टाफ हायर किया है या नहीं, और किया 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बुक्स प्रिंट हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपने फिर वो एक्चुअल अचीवमेंट देनी होती है, ठीक है। ये भी चूंकि एक लंबा लिस्ट होता है तो बेहतर है कि आप नेक्स्चर में दे, ठीक है। फिर सीरियल नंबर 16 पे देखिए, ईयर वाइज इनकम फ्रॉम सर्विसेज रेवेन्यू जनरेशन, यानी इस प्रोजेक्ट से कोई रेवेन्यू जनरेट भी होगी या नहीं इन फ्यूचर, जो प्रोविंशियल टैक्सेस है उनके तहत। अगर वो हो रही है तो क्या आपने उसको पीसी वन में वर्कआउट किया था, अगर किया है तो आप यहाँ पे लेके, और फिर अभी पिक्चर क्या रही है, यानी पीसी वन में तो आपने एस्टिमेट्स रखे थे, क्या वो एस्टिमेट्स एक्चुअली अचीव करना पॉसिबल होंगे इन फ्यूचर आर नॉट, तो आपने फिर वो यहाँ पे लिखना है एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखना था कि हमें इस प्रोजेक्ट से 2 लाख रुपए की रेवेन्यू रिसीव होगी हर साल, लेकिन अभी आपके सामने पिक्चर आ रहा है कि नहीं 2 लाख तो मुश्किल है, 1.5 लाख होगी, तो यहाँ पे फिर 2 लाख लिखे और यहाँ पे 1.5 लाख लिखे, ठीक है। ये 17 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इतना मुश्किल भी नहीं है। RBM का मतलब है रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन क्या क्या इनपुट आपने देना था और क्या क्या आउटपुट हासिल करना था। तो इनपुट हमने देना था ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, पेपर, जनरेटर, इसके अलावा जो ब्रेल टाइपराइटर है वो, फिर स्टाफ उसके लिए लेना था, ये सारे मेरा इनपुट था। और इस इनपुट के अगेंस्ट मेरा आउटपुट क्या था कि मैं ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश करूँ, 9th 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड के बुक्स प्रिंट करूँ, ठीक है। तो बेसलाइन इंडिकेटर में यहाँ पे आप ये लिखे कि मतलब फॉर एग्जांपल 9th और 10th के और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बुक्स मैंने प्रिंट करने थे, तो यहाँ पे लिखे आपने जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उन टारगेट्स के अगेंस्ट, उन इंडिकेटर के अगेंस्ट आपने कौन कौन से टारगेट्स अचीव किए हैं, तो आप वो यहाँ पे लिखे। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इनरोलमेंट बढ़ेगी, क्या मतलब लोगों को बुक्स जो है वो कन्वीनियंटली अवेलेबल होगी, और हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा, जो भी मतलब उसके इम्पैक्ट है तो आपने यहाँ पे वो लिखने हैं। सीरियल नंबर 18 पे देखे कि इस प्रोजेक्ट के पीरियड के दौरान कितने प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सर्व किया, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लेके, यहाँ पे हर ऑफिसर का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का आप नेम और डिजिग्नेशन लेके, और कब से कब तक वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा, तो यहाँ पे वो टाइम जिक्र करें, फ्रॉम एंड टू, ठीक है। सीरियल नंबर 19 पे देखे रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप ऑफ एसेट्स प्रोकेवर्ड एक्वायर्ड डेवलप्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट के तहत जो जो एसेट्स हमने एक्वायर किए, जो जो प्रॉपर्टी हमने लिया, जो जो टूल्स एक आइटम्स इक्विपमेंट्स वगैरह हमने लिए, तो उनकी ओनरशिप किसके पास होगा, तो लाजमी बात है आपका जो स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट है ये उसके पास होगा। और मसलन हमारे केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे ये एसेट्स के का ओनरशिप जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास होगा, ठीक है। अच्छा, अब सीरियल नंबर 20 पे देखिए इम्पैक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये इम्पैक्ट आपने IRR की सूरत में देना होता है, या मतलब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उस सूरत में देना होता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक दोनों। टेक्नोलॉजिकल में ये है कि हमारे पास ब्रेल टाइपिस्ट आ जाएंगे, ठीक है, लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ लोगों की एक्वाइंटेंस पैदा होगी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस वी आर एस्टेब्लिशिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, इसके सोशल जो इम्पैक्ट्स है वो क्या है, एजुकेशन की, एनरोलमेंट पर, हेल्थ पर, एम्प्लॉयमेंट, या जो भी मतलब जिस सेक्टर के साथ आपका प्रोजेक्ट रिलेट करता हो तो उस पर उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। हमारा चूंकि एजुकेशन के साथ रिलेट करता है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इससे एनरोलमेंट बढ़ेगी, एजुकेशन का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, और मतलब ये कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है इनकी सोशल इंक्लूजन बढ़ जाएगी। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, हमारे इस प्रोजेक्ट का कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट बड़े होते हैं जिसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होते हैं, और नॉर्मली ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ये वर्कआउट करता है कोई एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर, इनी अदर अगर कोई और इम्पैक्ट है तो आप यहाँ पे वो लेके। अच्छा, मैकेनिज्म फॉर सस्टेनेबिलिटी of activities after completion, यानी इसकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद इसको मेंटेन भी रखना है, सस्टेन भी रखना है, इन फ्यूचर हमने इसको ऑपरेट करना है, इससे बेनिफिट हासिल करना है, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। फॉर एग्जांपल ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस के लिए हम ये मैकेनिज्म वर्कआउट करता है कि इसको हम डिप्टी कमिश्नर के बजट के तहत अकाउंट फॉर्म में रेगुलर बजट के तहत रिफ्लेक्ट करेंगे, और इसके लिए हर साल डिप्टी कमिश्नर पेशावर के बजट से एलोकेशन होगी फॉर कैरिंग आउट वेरियस रिकरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर वो मैकेनिज्म देना होता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनालिसिस में देखें
मैंने आपको बताया कि आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करनी होती है, इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो पर हम वीडियो बनाने का इरादा रखते हैं, इसी तरह IRR पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो इसी प्ले सीरीज में है, आप ज़रूर देख लें, ठीक है। और इस पर PC1 ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और IRR और यूनिट कॉस्ट एनालिसिस क्या था और कंप्लीशन के बाद क्या बन रहा है, क्या पिक्चर आ रही है, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो भी उसी तरह, यानी इसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करना था, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो वर्कआउट करना है और IRR, और PC1 के लिए हमने किस तरह वर्कआउट किया था और आफ्टर कंप्लीशन इसका क्या होगा। तो चूंकि हमारा ये प्रोजेक्ट सोशल सेक्टर के साथ रिलेट करता है और इसमें मतलब कोई हमें रेवेन्यू हासिल नहीं होगी, इस वजह से हमने इसका जो NPV है या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है या IRR है ये हमने वर्कआउट नहीं किया है। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में है तो PC1 में क्या है और कंप्लीशन के बाद ये क्या एक फिगर आपके पास आ रहा है, तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। अच्छा, सीरियल नंबर 23 पे आप देखें कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त आपको कौन कौन से इश्यूज फेस हुए। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के तहत कैपेसिटी, डिपार्टमेंट की क्या कैपेसिटी थी कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरह रहा, क्या स्मूथली तमाम डिसीजन लिए गए या डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हर्डल है, या अगर कोई और इशू है तो आपने यहाँ पर वो फिर मैंशन करना होता है। आपने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ फेजेस में यानी आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, अप्रूवल, फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया सीखा, आपको किन किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, फिर आपने उन इश्यूज़ को किस तरह रिजॉल्व किया और फ्यूचर के लिए आप क्या परसीव कर रहे हैं, क्या आपने सीखा है कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे ताकि इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके, तो आपने यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। और इसकी इसके लिए मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर की प्लानिंग को आप किस तरह देखते हैं, और अगर दीगर प्रोजेक्ट इसी नेचर के एग्जीक्यूट हो तो फिर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो लिखना होता है। फिर सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट यहाँ पे देना होता है। जिसने ये PC4 सबमिट करना है तो यहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा। तो उम्मीद है आप PC4 को समझ गए होंगे। अगले पेज पर फिर जो है ये इंस्ट्रक्शन है कि आप PC4 को किस तरह फिल करेंगे, तो ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको क्लियर गाइडेंस दे दी, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।